इस बात का है। इन लोगों से बेहतर मुझे अल्लाह जानता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। इन्नमल अमालु बिन्नियात, मेरा नियत अल्लाह बेहतर जानता है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप जो वीडियो में राइट साइड में देख पा रहे होंगे, ये हैं अपने शिहाब भाई, और जो आप वीडियो में लेफ्ट साइड में देख पा रहे हैं, ये हैं नौशाद भाई, जो कि कर्नाटका से पैदल हज के लिए निकले हैं। तो आपको इनके हवाले से भी बहुत बड़ी अपडेट मिलने वाली है, और साथ ही साथ शिहाब भाई की भी दिल को खुश कर देने वाली अपडेट सुनाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। बात करी जाए नौशाद भाई की, तो वो भी शिहाब भाई की तरह ही पैदल हज के लिए निकले हैं, और जिस तरह और जिस रूट से शिहाब भाई ने सफ़र शुरू किया था, इसी तरह नौशाद भाई ने भी सफ़र जारी किया है, और अभी गुजरात के अंदर एंट्री करी है। और आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि जिस तरीके से आपने शिहाब भाई को प्यार दिया था, इसी तरह नौशाद भाई को भी प्यार दे, क्योंकि वो भी अपना मुसलमान भाई है जो कि पैदल हज के लिए निकला है। और साथ ही मैं आपको शिहाब भाई की अपडेट बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से शिहाब भाई का मदीने से जो सफ़र बचा है, वो अल्लाह के फजल करम से लगभग 80 से 85 किलोमीटर तक रह गया है, और जल्दी शिहाब भाई मदीना मुनव्वरा पहुँचने वाले है। और जो नौशाद भाई है, वो अल्हम्दुलिल्लाह 2024 का हज करने के लिए निकले है। और मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि जिस तरीके से आपने शिहाब भाई के लिए दुआ की, और इसी तरह नौशाद भाई के लिए भी दुआ करें और प्यार मोहब्बत करें। और ऐसे ही शिहाब भाई की लाइव लोकेशन और लाइव अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।